अनरेगुलेशन में प्लांट ग्रोथ या किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है आपका सेल के नंबर में या प्लांट के शेप में इंक्रीज होना, जब से जैसे हम किसी भी बीज को बोते हैं ग्राउंड में, वो पानी अब्सॉर्ब करता है, लाइट अब्सॉर्ब करता है, वो थोड़ा सा ग्रो होता है, उसकी जड़ और फैलती रहती है, स्टेम बढ़ती रहती है। समझ रहे हो मेरी बात? यस मैम। तो वो ग्रो होता है और देन उसके बाद ग्रो करके एंड देन इसका इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज हो जाता है साइज में, वॉल्यूम में, मास में, सेल्स के, फुल ऑर्गेनिज्म ग्रो हो जाता है। ग्रोथ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है गिवन बींग की, मेटाबॉलिक प्रोसेस के एज अ रिजल्ट होती है। ग्रोथ के कैरेक्टरिस्टिक है सेल डिविजन होना, सेलुलर ग्रोथ होना, सेल एक्सपेंशन होना, सेलुलर डिफ्रेंसिएशन होना, ठीक है। तो जनरल है, ग्रोथ का एक कर्व बना सकते हैं हम, टाइम के साथ साथ हाइट कैसे इंक्रीज होती जाएगी, ज्योमेट्रिक कर्व बना सकते हैं। डिफ्रेंसिएशन, डिडिफ्रेंसिएशन, रीडिफ्रेंसिएशन इन्वॉल्व होती है प्लांट्स की। ये स्टेप्स हैं कुछ के, डिफ्रेंसिएशन में मास ऑफ सेल्स यानी अनऑर्गेनाइज मास ऑफ सेल्स धीरे धीरे अपने फंक्शंस को स्पेसिफिक करने लगता है। इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्रेंसिएशन करना, कि जैसे ये अनडिफ्रेंशिएटेड सेल था, ये अपने आप को इसने लीफ सेल बना लिया, या अपने आप को इसने एक जाइलम का वेसल बना लिया, या अपने आप को इसने रूट हेयर बना लिया। इसके पास ऐसा, ये अगर प्लांट का एम्ब्रियो का सेल था तो उसके पास ऐसी क्वालिटी थी कि वो अलग अलग पार्ट भाग में ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाए। स्टेम में तो इसने अपने आप को इसमें सिलेंड्रिकल फॉर्म में चेंज कर लिया, जाइलम बन गया ये ट्रांसपोर्ट के लिए। लीफ के सर्फेस पे इसने अपने आप के सेल्स को कैसे चेंज किया कि ये लीफ बन गया, और रूट की जगह पर जहां पर टिश्यू प्लांट का है वहां पर ये रूट की तरह डिफ्रेंशिएट हो गया। ऐसी प्रोसेस को कहते हैं डिफ्रेंशिएशन। समझ रहे हो? यस मैम। मेरिस्टमैटिक टिश्यूज धीरे धीरे अपने आप को डिफ्रेंशिएट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज में, परमानेंट टिश्यूज में। यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन देखी जाती है, सिलेंड्रिकल बनने की वजह से बन जाते हैं, सिलेंड्रिकल बनने की वजह से। एंड अगर उनमें क्लोरोफिल हो जाता है तो वो फोटोसिंथेसिस करने के लिए बन जाते हैं। डिडिफ्रेंसिएशन में क्या होता है? रिवर्स होता है। डिडिफ्रेंसिएशन में कोई ऐसा एक्टिव कर दिया हमने, एक्टिवेशन कर दिया पौधों को, कोई ऐसा हार्मोन दे दिया कि हम उन्हें लैब में ग्रो करा रहे हैं। यानी कि मैंने एक कोई लीफ ले लिया किसी प्लांट का, मैं चाहती हूँ कि मैं लीफ से पूरा प्लांट पा जाऊं वापस से। अब ये लीफ टिश्यू है, ये रूट टिश्यू नहीं है, ये सिर्फ क्या टिश्यू है? लीफ टिश्यू है। ये ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड है, बट मैं लीफ टिश्यू को पेट्री डिश में मीडिया के ऊपर रखकर उसको कुछ ऐसे स्टिमुलस दे रही हूँ मीडिया में, कुछ ऐसा खाने के लिए, कुछ ऐसा सब्सटेंस दे रही हूँ कि अपने कोडिंग को रीप्रोग्राम कर लेता है। स्ट्रेस की वजह से ही अपने आप को क्या कर लेता है, अपनी कोडिंग को चेंज करके डिडिफ्रेंशिएशन स्टेम सेल की तरह बिहेव करने लगता है, मेरिस्टमैटिक टिश्यू की तरह बिहेव करने लगता है। कि प्लांट में ही स्पेशल एबिलिटी होती है कि प्लांट के किसी भी पार्ट को तुम टिश्यू कल्चर करो, इस पूरे प्रोसेस को प्लांट टिश्यू कल्चर कहते हैं। प्लांट के किसी भी भाग से आप पूरा प्लांट पा सकते हो। तो इसमें आपने जो भी प्लांट का पार्ट लिया उसे आप लैब में रखते हो, लैब में उसे मीडिया पे ग्रो करते हो, वो अपने आप के डीएनए में चेंजेस लाता है, डिडिफ्रेंशिएशन करता है, यानी कि अपनी लीफ की एबिलिटी को भूल जाता है। डिडिफ्रेंशिएशन मतलब अपने डिफ्रेंशिएशन को लूज कर देना, टू लूज द डिफ्रेंशिएशन इज डिडिफ्रेंशिएशन रिमूवल। केमिस्ट्री में आप काफी सारे रिएक्शंस पढ़ते हो, डीहाइड्रोजिनेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड, अभी इवन हमने क्रेब साइकिल में भी पढ़ा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करी किसी भी, ठीक है। तो डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम यूज हुई, डीकार्बोक्सिलेज, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुई, क्लियर। तो डिफरेंशिएशन यही होता है, दिस इज ओनली डिडिफ्रेंशिएशन, अपना प्रॉपर्टी लूज करना। और अब वो डिपेंडिंग ऑन तो हम उसको क्या मीडिया दे रहे हैं, ये अब दोबारा से मेरिस्टमैटिक टिश्यू बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा दोबारा से?
मेरिस्टमैटिक। अब मेरिस्टमैटिक टिश्यू से अब हम इसको अगर डिफरेंट तरह के हॉर्मोन दें, इसका रेशियो अलग अलग केमिकल कॉम्पोजिशन दें, उसमें रूट बनने लगेंगी, स्टेम बनने लगेगा और ये प्लांट हमारा कल्चर हो जाएगा, इससे हम नया प्लांट बना सकते हैं। तो डी डिफरेंशिएशन इज एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बायोलॉजिकल फिनोमिना जहाँ पर सेल अपने आप का प्रॉपर्टी कम करता है, रिग्रेस करता है, स्पेशलाइज्ड फंक्शन से सिंपल फंक्शन में लाता है अपने आप को। यहाँ प्लांट से सिंपल फंक्शन में लाया ना अपने आप को, मेरिस्टमेटिक टिश्यू बनाया लीफ टिश्यू से, उसने अपना सिंपल फंक्शन में लाता है, स्टेम सेल बन जाता है। अब रीडिफ्रेंसिएशन, स्टेम सेल बनने के बाद वापस से मैंने क्या बोला कि वापस से वो अपनी जड़ बनाने लगेगा, वापस से नया पौधा बनाने लगेगा अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल स्टिमुलस, हम उसे कौन सा मीडिया देते हैं। तो ये दोबारा से क्या हो जाएगा, रीडिफ्रेंसिएट हो जाएगा, री उसमें एक छोटा सा रूट जैसा स्ट्रक्चर भी निकल आएगा, स्टम जैसा स्ट्रक्चर भी निकल आएगा, पत्ते भी बनने लगेंगे, प्लांटलेट बन जाएगा वापस से, वो क्या बन जाएगा, एक स्मॉल प्लांटलेट सैपलिंग बन जाएगा छोटा सा। क्लियर? तो ये तीनों स्टेप होते हैं ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, डेवलपमेंट में भी ये तीनों चीजें चल रही होती हैं, ये बार बार डिफरेंशिएशन होता है पौधों में, अलग अलग तरह के मेरिस्टमेटिक टिश्यूज डिफरेंशिएट होते हैं, एक्सपैंड होते हैं, मैच्योर होते हैं, मैच्योर सेल्स बनते हैं, मैच्योर होने के बाद ओल्ड हो जाएंगे, सेनेसेंस मतलब ओल्ड। पौधे की भी कोई लाइफ स्पैन है, पौधा भी किसी भी लाइफ तक ही जी सकता है, ये उसके वीक होने लगेंगे सेल्स, सेनेसेंस होने लगेगी यानी कि, और एक टाइम आएगा कि फिर वो उसकी भी डेथ हो जाएगी। प्लांट की लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है, ठीक है, तो कैनॉट कंटिन्यू द लाइफ, लाइफ वापस से कंटिन्यू नहीं कर सकता। दिस इज डेवलपमेंट, ये पूरी प्रोसेस क्या हो गई, डेवलपमेंट हो गई, प्लास्टोसिस्टी, हेट्रोफिली, ये कुछ और तरह के डेवलपमेंट्स हैं। आपने देखा होगा किसी कोई ऐसा पौधा है जो बैंक मतलब किसी नदी के किनारे है और उसकी कुछ पार्ट हमेशा पानी, नदी के पानी में डूब जाते हैं, नीचे के पार्ट्स और ऊपर के पार्ट हवा में रहते हैं। तो देखा होगा कि नीचे वाले जो पत्ते हैं वो थोड़े से फिलामेंट जैसे बन जाएंगे बिकॉज उनको पानी में तैरना है, तो वो अपने आप की शेप ऐसी कर लेंगे, और ऊपर वाले पत्तों क्योंकि हवा में झूमना है तो फिर हवा की तरह उनके फैन जैसे पत्ते हो जाएंगे। तो ये होती है प्लास्टिसिटी और हेट्रोफिली, अलग तरह के लीफ का शेप होना, ठीक है, अलग तरह के लीफ का शेप होना एक ही प्लांट में बिकॉज ऑफ उनको अलर वर्क करना है। अब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आपको पढ़ना है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स यू विल रीड, मैंने इसका चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया है आपको बिकॉज आप मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट का थोड़ा बेसिक समझोगे तब जाके आप यहाँ पे भी कनेक्ट कर पाओगे कि कौन सा हार्मोन कैसे ग्रो करा रहा है पौधे को, इसीलिए हमने स्टार्टिंग से लिया है, पर एग्जाम में यहीं से आएगा, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से आएगा। क्लियर? इन एग्जाम आई विल नॉट आस्क एनी ऑफ द डेफिनेशन व्हिच आई हैव जस्ट मेंशन बिकॉज दैट वॉज फॉर जस्ट फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ कॉन्सेप्ट, वो सिर्फ इंट्रोडक्शन का था, यहां से पढ़ो, तुम पढ़ो। मैम बुक से पढ़ना है या इससे पढ़ूं? स्लाइड से ही पढ़ो बेटा, क्योंकि अभी हम ना स्लाइड से डिस्कस कर रहे हैं। ओके मैम। मैम गुड मॉर्निंग। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स फाइटो हॉर्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंस दैट इन्फ्लुएंस द ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ प्लांट सेल्स टिश्यू एंड ऑर्गन्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स फंक्शन एज केमिकल मैसेंजर्स फॉर इंटरसेल्युलर कम्युनिकेशन, दे वर्क टूगेदर कोऑर्डिनेटिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल्स। दे कुड बी इंडोल्ड कंपाउंड, indoled 3-acetic acid. सही है। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स फाइटो हॉर्मोन्स, कॉमन वर्ड जो हम बोल सकते हैं,
फाइटो हॉर्मोन्स, फाइटो वर्ड आपको पता होना चाहिए, प्लांट से रिलेटेड है। इससे पहले हम कुछ पिगमेंट्स भी ऐसे देख चुके हैं, साइटोक्रोम, फाइटोक्रोम, ठीक है। फाइटो वर्ड इज ऑलवेज फॉर द प्लांट, एंड द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और फाइटो हॉर्मोन ये सेम कह सकते कम कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म है, एक दूसरे की जगह यूज करी जा सकती है। ये कुछ ऐसे केमिकल्स हैं, केमिकल सब्सटेंस हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रोथ और डिफ्रेंसिएशन को ऑफ द प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स की ग्रोथ और डिफ्रेंसिएशन को क्या करते हैं, ये इन्फ्लुएंस करते हैं फाइटो हॉर्मोन्स, प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स, प्लांट की ग्रोथ को और डिफ्रेंसिएशन को इन्फ्लुएंस करने वाले हॉर्मोन्स हैं। ये प्लांट खुद बनाते हैं, प्लांट के सेल्स में बनते हैं, प्लांट के टिश्यूज में बनते हैं, प्लांट के ऑर्गन्स में ये हॉर्मोन्स बनते हैं। इज इट क्लियर? यस मैम। दे आर प्रोड्यूस इन द प्लांट सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। नाउ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स फंक्शन एज अ केमिकल मैसेंजर फॉर इंट्रा सेलुलर कम्युनिकेशन। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर एक ऐसे काम करते हैं, फंक्शन करते हैं जैसे कि केमिकल मैसेंजर की तरह काम करते हैं और इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन, सेल्स की कम्युनिकेशन आपस में, सेल्स में जैसे कम्युनिकेशन होता है, कोई सिग्नलिंग होती है, कम्युनिकेशन मतलब होता है सिग्नलिंग। अगर हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं फॉर सपोज कि मैं आपको कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगर आई एम नॉट एबल टू रिलेट टू यू कि वॉट आई एम ट्राइंग टू गिव इंफॉर्मेशन ऑन, अगर आप उसे रिलेट नहीं कर पाते या मैं आपको रिलेट नहीं कर पाती हूँ तो जोड़ नहीं पाते हैं हम उन चीज़ को अपनी पुरानी मेमोरी से या नॉलेज से, तो हमें समझ नहीं आता, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड। तो ये होती है सिग्नलिंग, यहाँ से मैं आपको कुछ मैसेज दे रही हूँ, सिग्नल दे रही हूँ, उसको आपको अंडरस्टैंड करना भी सही तरीके से ज़रूरी है। Then only communication will be taken place. Otherwise communication is not taking place. समझ रहे हो? तो plant growth regulator भी इसी तरह से function करते हैं। ये कुछ ऐसे chemicals हैं जो कि messenger की तरह काम करेंगे और intercellular आपस में cells का communication बनाएंगे। आपस में root के cell क्या message दे रहे हैं stem के cells को पौधे में, या फिर पूरे रूट और पौधे का पूरा स्टेम और लीव्स मिलकर फ्रूट को क्या मैसेज दे रहे हैं कि प्लांट की मैच्योरिटी कितनी है, फ्रूट कितना राइपन होना चाहिए या रॉ होना चाहिए इस वक्त, और किस तरह से सिग्नल्स उसे मिल रहे हैं, ऐसे कौन से केमिकल रिएक्शंस प्लांट के अंदर हो रहे हैं, ऐसे कौन से कंपाउंड फाइटो हॉर्मोन जनरेट कर रहा है प्लांट जो कि मैसेज दे रहा है, इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन करा रहा है, उसी पे डिपेंड होगा प्लांट की ग्रोथ, उसी पे डिपेंड होगी प्लांट में फ्लावर कब आएंगे, प्लांट में फ्रूट कब बनेगा, प्लांट का जो अगर हमने फॉर सपोज जर्मिनेशन के लिए सीड डाला है तो सीड कब जर्मिनेट होगा, कौन से सीजन का वो प्लांट है, ये सब चीजें इन्वायरमेंट से भी प्लांट को कनेक्ट करना, ये भी प्लांट हॉर्मोन का ही रोल है। प्लांट हॉर्मोन के ही रोल से पौधा अपनी लाइफ को पूरा कर सकता है, अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट में प्लांट हॉर्मोन का बहुत बड़ा रोल है। क्लियर? तो वर्क टुगेदर, प्लांट के जो टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, वो एक दूसरे के साथ मिलकर क्या करेंगे, वर्क करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट सेल्स की, दे वुड बी इंडोल कंपाउंड्स, और ये जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है ये इंडोल कंपाउंड हो सकते हैं, इंडोल 3 एसिटिक एसिड हो सकते हैं, IAA एडिनिन डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, N6 परफ्यूराइल अमीनो प्यूरिन हो सकते हैं ये, ओके, सो दिस कैन बी दिस टाइप ऑफ कंपाउंड, इंडोल कंपाउंड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, एडिनिन डेरिवेटिव्स, ये इस तरह के कंपाउंड हो सकते हैं, N6 परफ्यूराइल अमीनो प्यूरिन। इज इट क्लियर? इंडोल का फॉर्मूले की बात हो रही है, इनके केमिकल स्ट्रक्चर्स होंगे कुछ, तो उसमें से एक कंपाउंड इंडोल होता है जो हॉर्मोन्स में मिलता है, परफ्यूराइल अमीनो प्यूरिन ये भी एक कंपाउंड होता है जो इन हॉर्मोन्स में मिलता है। तो फाइटो हॉर्मोन्स के नेम बता दिए, ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, और एक जो यहाँ दिख नहीं रहा वो कौन है, यू नो
What will be it? It will be next compound क्या होगा बेटा यहाँ पर? आपने नहीं पढ़ा है? आप टेंथ में भी तो पढ़ते हो हार्मोन. इथाइलिन, इथाइलिन नाम का कंपाउंड हार्मोन पढ़ा है? हो सकता है आपका टेंथ में ये सिलेबस से रिड्यूस हो गया हो. ये कंट्रोल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में था हार्मोन. अभी चैप्टर नहीं आया था हमारा. हाँ, तो इस वजह से आपका मिस हो गया हो. ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन. ठीक है, ये गैसियस हार्मोन होता है इथाइलिन. इनमें से जो लास्ट वाला इथाइलिन है, एब्सिसिक एसिड है, ये दोनों तो इनहिबिटर है. दीज बोथ आर इनहिबिटर हार्मोन. आप देखो ग्रोथ अगर कर रहा है प्लांट, बहुत अच्छी बात है ग्रोथ होना, बट ग्रोथ अगर अनलिमिटेड हो जाए तो क्या होगा? वो भी पौधे के लिए क्या है, हार्मफुल है. कोई भी चीज लिमिट में ही होती है, वो ही ठीक होती है. तो अगर ग्रोथ अनलिमिटेड मैनर में हो जाएगी तो प्लांट भी कैसा हो जाएगा? कैंसरस हो जाएगा, आप जानते हो. ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्स डेवलप, अनलिमिटेड सेल्स डेवलप होने लगी तो कैंसरस प्लांट हो सकता है. तो इसी वजह से कुछ हार्मोन ऐसे भी चाहिए जो कि इनहिबिटिंग हो, जो प्लांट की ग्रोथ को स्टॉप भी करे. और बाकी हार्मोन ऐसे होने चाहिए जो तीन हार्मोन है, क्या है, प्रमोटिंग है. दे आर प्रमोटर्स, दे आर ग्रोथ ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स है. क्या है बेटा ये? क्लासिफिकेशन ऑफ पीजीआरस, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की क्लासिफिकेशन है. क्या है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की क्लासिफिकेशन? ग्रोथ प्रमोटर्स एंड ग्रोथ इनहिबिटर्स. कैन यू सी? यस मैम. यस मैम. प्रमोटर्स में कौन से तीन के नाम लिखे हैं? ऑक्सिन, पढ़ो इसे. हेमोक्सिन, गिब्रेलिन, साइटोकाइनेस, ग्रोथ इनहिबिटर्स, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन. ऑक्सिन की बात अगर करें, ये पहला हार्मोन है. ये कहाँ डिस्कवर हुआ था? ऑक्सिन वाज डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स डार्विन. चार्ल्स डार्विन ने इसे डिस्कवर किया था. चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने, दो ने करा था डिस्कवर, दो साइंटिस्ट ने. एफ डब्ल्यू वेंट ने भी ऑक्सिन को आइसोलेट किया, आइसोलेटेड ऑक्सिन फ्रॉम द टिप्स ऑफ कोलियोप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग. ओट नाम का पौधा होता है, उसकी सीडलिंग से, उसके स्मॉल सीडलिंग से, उसके टिप्स से. सीडलिंग्स मतलब छोटे छोटे से नन्हे पौधे उग रहे हैं उस सीड से, और उससे सीड से मान लो, और उसके टिप्स में हाई कॉन्सेंट्रेशन में ये कंपाउंड पाया जाता था. ऑक्सिन टिप्स में ऑक्सिन पाया जाता था लार्ज अमाउंट में. तो एफ डब्ल्यू वेंट ने इस टिप में से ऐसा लिक्विड निकाला, ऐसा एक्सट्रैक्ट निकाला जो जिस जो ऑक्सिन रिच था, ऑक्सिन नाम के हार्मोन में रिच था. एंड एफ डब्ल्यू वेंट डेवलप्ड एवेना कर्वेचर टेस्ट. उसने एक कर्वेचर टेस्ट भी करा जिसको बोलते हैं बायो एसे ऑफ ऑक्सिन. ऑक्सिन का बायो एसे बोलते हैं. सिंथेटिक ऑक्सिन, आई ए इंडोल एसिटिक एसिड. ठीक है, आई ए इंडोल एसिटिक एसिड, सिंथेटिक ऑक्सिन भी हम बना सकते हैं. एक तो नेचुरल बन रहा है, ये जो कोलियोप्टाइल टिप में बन रहा है वो तो नेचुरली ही बन रहा है. हर प्लांट में ऐसे बनता है. अगर सिर्फ कोलियोप्टाइल की बात नहीं, अगर कोई वीट का पौधा भी आएगा, मतलब वीट या कोई आपका मैंगो का पौधा नया नया बन रहा है, उसके भी टिप में, हर एक प्लांट के टिप्स में ये ऑक्सिन बनता है. स्टेम टिप में ही नहीं, रूट टिप में भी, सब में. तो टिप्स में यानी मेरिस्टोमेटिक एरियाज के पास ऑक्सिन बनता है. एंड एवेना कर्वेचर टेस्ट क्या है कि ऑक्सिन एक और चीज को भी गाइड करता है, फोटोट्रोपिज्म. फोटो
ट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है लाइट की तरफ झुकना, ट्रोपिज्म मतलब होता है मूवमेंट, तो प्लांट की मूवमेंट या प्लांट के पार्ट की मूवमेंट टुवर्ड लाइट, ठीक है, लाइट टुवर्ड्स प्लांट मूव्स टुवर्ड लाइट और प्लांट बेंड टुवर्ड द लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म। क्लियर हो रहा है? यस मैम। मैम ये चैप्टर आज ही स्टार्ट किया है? हाँ आज ही स्टार्ट किया है, बिकॉज कल हमारा रेस्पिरेशन का भी मैंने वीडियो शेयर किया था, लास्ट वीडियो था वो हमारा, रेस्पिरेशन कल फिनिश हुआ था। आपने वो अगर वॉच नहीं किया हो तो यू शुड वॉच इट, एंड आज हमारा ये टॉपिक शुरू हुआ, ठीक है? ओके मैम। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, ऑक्सिन के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या हैं? प्रमोट एपिकल डोमिनेंस, ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि प्लांट की हाइट और बड़ा करने में हेल्प करेगा। वाई? बिकॉज ये लेंथ वाइज प्लांट को इसलिए ग्रो करता है और उसकी ब्रांचेस नहीं आने देता, ज़्यादा ब्रांचेस को प्रमोट नहीं करता ये, ये सिर्फ हाइट को प्रमोट करता है और ऊपर टॉप पे जाकर बहुत सारे ब्रांचेस आ जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये एपिकल डोमिनेंस कहलाती है, मतलब एपिकल बड डोमिनेंट होती है इसमें, इट हैज एपिकल और टर्मिनल, टर्मिनल मतलब एंड पॉइंट्स, एपिकल और टर्मिनल बड। टर्मिनल बड इज डोमिनेंट, मतलब वहां पर नए नए पत्ते आएंगे, वहां पर नए नए ब्रांचेस और नए नए और ग्रोथ होएगी, बट वहां लेटरल बड्स को इनहिबिट करेगा। बट कौन सी बड्स इनहिबिट होंगी? लेटरल ग्रोथ इनहिबिट होगी, साइडवाइज ग्रोथ प्लांट की इनहिबिट होगी, किसके रिचनेस की वजह से? लेटरल बड विल बी इनहिबिटेड, इनहिबिट हो जाएगी बिकॉज ऑफ द ऑक्सिन हाई कंसेंट्रेशन इन द टिप्स, टिप्स में ऑक्सिन हाई कंसेंट्रेशन में होगा तब ये होता है। तो आपने इसीलिए देखा है, इसकी वजह से फिर गार्डनर्स को क्या करना पड़ता है, एपिकल डोमिनेंस की वजह से गार्डनर्स क्या करते रहते हैं? ये कटिंग करते रहते हैं, प्लांट की कटिंग करते रहते हैं एपिकल डोमिनेंस को खत्म करने के लिए। एपिकल डोमिनेंस अगर मतलब प्लांट को कट करके शॉर्ट करेंगे तो उससे नया ऑक्सिन बनेगा, टिप में नया ऑक्सिन बनेगा तो थोड़ा सा साइड की ब्रांचेस में भी जाएगा, जिसकी वजह से वो प्लांट थोड़ा सा बुशी हो सकता है। अब उस प्लांट को थोड़ा सा ब्रांचेस करने के लिए ऐसा किया जाता है, ताकि उसकी हाइट तो हाइट ही हाइट ना बढ़ती रहे, ब्रांचेस भी बढ़े उसकी। क्लियर? Yes, ma'am. Promote flowering, example in pineapples, prevent fruit and leaf drop at early stage, promote abscission of older mature leaves and fruits, induce parthenogarpy, example in tomatoes. ये कुछ ऐसे points हैं जो ऑक्सिन के points हैं, ये उसके actions हैं, एपिकल डोमिनेंस को बढ़ाना, रूटिंग करा देना स्टेम कटिंग में। स्टेम कटिंग की बात आई है प्लांट टिश्यू कल्चर से, जैसा हमने देखा कि थोड़ा सा पार्ट ऑफ द प्लांट कट हो जाता है, उसको रख देते हैं, कट होके रख दिया उसको पेट्री डिश में और मीडिया दे दिया। तब इस ये कटिंग पड़ी हुई है स्टेम की, मीडिया पड़ा है यहाँ पर, और उसको हमने अच्छे से लिड को बंद भी कर दिया, पेट्री डिश की लिड को बंद कर दिया। अब इसमें ये जो कटिंग है, थोड़ी सी इसमें से, थोड़ी सी स्टेम कटिंग में से रूट्स निकलवाना, वो किसका काम है? इसमें से थोड़ी सी रूट्स निकल जाए स्टेम कटिंग में, ये स्टेम कटिंग है, उसमें ही थोड़े दिन बाद हम देखें अगर हमने इस मीडिया में क्या रिच कर दिया है, ऑक्सिन रिच कर दिया है। अगर हमने इस मीडिया में थोड़ा सा ऑक्सिन और डाल दिया या उसका लेवल बढ़ा दिया, तो हम क्या पाएंगे? हम ये पाएंगे कि इस स्टेम कटिंग में क्या आ गई है, रूट्स आ गई है, रूटिंग इन द स्टेम कटिंग। ऑक्सिन ऐसे करवा देता है, ऑक्सिन टिश्यू कल्चर के एक्सपेरिमेंट में रूटिंग कराने में हेल्प करवाता है।
क्लियर। फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल्स, पाइनएप्पल्स में ये फ्लावरिंग्स कराने में हेल्प करता है। मैम ये जो आपने अभी बताया कि टिश्यूज, मैम इसे कहते हैं पैरेंथ्रोकार्पी? पार्थेनोकार्पी इसको नहीं कहते, पार्थेनोकार्पी में तो आर्टिफिशियल मींस में नहीं करवा रहे कुछ भी। पार्थेनोकार्पी में बनाना का एग्जांपल है। अब बनाना में सीडलेस फ्रूट होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन में ही उसमें इस तरह का फ्लावर उगता है कि जिसमें बहुत सारे बनाना लगे रहते हैं, ठीक है। और उन सारे बनाना में कोई सीड नहीं है, विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन द फ्रूट इज फॉर्म्ड एंड द फ्लावर इज देयर, बट फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस। तो ऐसा फ्रूट जो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप होता है नेचर में, विद नेचर, वो पार्थेनोकार्पी है। उसमें खुद ही और ओरिजिनल में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, नो डाउट उसमें भी और ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। पार्थेनोकार्पी में भी ऑक्सीजन काम आता है सीडलेस टोमेटो बनाने में, बट वो सिर्फ उसकी डेफिनेशन इतनी है कि एनी फ्रूट विच इज बियरिंग विदाउट, विच इज विदाउट सीड एंड विदाउट फर्टिलाइजेशन इट हैज मैच्योर्ड इज नोन एज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है। पर स्टेम कटिंग में रूटिंग लाना, ये प्लांट टिश्यू कल्चर है जिसमें हम किसी भी प्लांट को जब मीडिया में ग्रो करवाएंगे उसमें हमने क्या चीज मिक्स करी है मीडिया में, मीडिया कुछ भी ऐसा सब उसका जेली जैसा बेस है जिसके जिसको हमने पेट्री डिश में रखा होता है, उसके ऊपर चाहे हम किसी भी प्लांट का टिश्यू कल्चर कर रहे हैं, टिश्यू कल्चर कर रहे हैं हम उसका, तो यहाँ हमने स्टेम कटिंग रखी। इसमें अगर मैं ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा सा ज्यादा कर दूं कंसंट्रेशन इस मीडिया के कंपोजिशन में, तो इसमें रूटिंग आ जाएगी, ये कह रहा है कि ऑक्सीजन इसमें रूटिंग इंड्यूस करा देता है स्टेम कटिंग, ठीक है। क्योंकि ऐसा करा जाता है, प्लांट टिश्यू कल्चर एक पूरी इंडस्ट्री है जिसमें किसी भी प्लांट को, ऐसा प्लांट जो उसमें चाहे कोई भी क्वालिटी हो, अच्छी क्वालिटी के प्लांट के पार्ट से ऐसे तरह के नए प्लांट बनाए जाते हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर तो आपका था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चैप्टर तो आपका सिलेबस में था, उसमें था एक टॉपिक प्लांट टिश्यू कल्चर, ग्रोइंग मोर प्लांट्स ऑफ द सेम टाइप, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो टॉपिक था 10th में, उसके बाद एक छोटा सा पैराग्राफ दिया था येलो बॉक्स में प्लांट टिश्यू कल्चर, प्लांट के किसी भी पार्ट से नया प्लांट बनाना, ठीक है। ये पूरी बायोटेक की एक पूरी ब्रांच है जिसमें प्लांट के किसी भी पार्ट से एक नया प्लांट बनाया जाता है, तो उसमें ऑक्सीजन काम करता है, स्पेशली रूटिंग लाने में, फ्लावरिंग को भी प्रमोट करता है पाइनएप्पल्स में, प्रिवेंट फ्रूट एंड लीव ड्रॉप्स, जल्दी से फ्रूट्स गिरते नहीं है, लीव गिरते नहीं है वो चेक करता है, प्रमोट एब्सिशन ऑफ ओल्डर लीव्स, ओल्डर लीव्स को को जोड़े रखता है प्लांट से, फ्रूट्स को भी जोड़े रखता है, एंड इंड्यूस पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी टमाटोज में भी इंड्यूस करता है। जिब्रेलिन, जिब्रेलिन को ई कुर्सोवा जापानी साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया था। जिब्रेलिन को सबसे पहले फंगल पैथोजन में देखा गया था, जिब्रेला फ्यूजिकोरिया में, एक फंगस का नाम है ये फंगल पैथोजन थी, मतलब इन्फेक्शियस फंगस थी जिसने राइस सीडलिंग को इन्फेक्ट किया था। और इस वाले राइस सीडलिंग को जब हम ग्रो कराते थे किसी फील्ड में, तो वो देखने को मिलता था कि इनका जो स्टेम होता था वो बहुत लंबा हो जाता था। एक्सेप्शनली ऐसे फंगल इन्फेक्टेड सीड्स जो जिब्रेला फ्यूजिकोरिया से इन्फेक्टेड थे, उनके सीड्स को जब ग्रो कराया गया तो खेत में बहुत टॉल टॉल प्लांट्स उगे। तो इस वजह से उस फंगस के नाम से ही, उसमें से फिर हमने ये देखा कि क्या निकल रहा है, तो हमने देखा उसमें से एक एसिड निकल रहा था, जिब्रेलिन नाम का एसिड। जिब्रेलिन एसिड्स वाज रिमूव्ड और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सी राइस, और उसका इम्पैक्ट ये था कि जिब्रेलिन ऐसे एक्सट्रैक्ट था जो कि अगर ऐसा हार्मोन था जो कि अगर प्लांट में बने तो उसकी स्टेम हमेशा इंटैक्ट हो जाएगी, लंबी हो जाती है, इलोंगेट हो जाती है, ड्वार्फ शूट हो जा, शूट कह सकते हैं, जो लीव्स और बाकी जो लेटरल ब्रांचेस होंगी वो छोटी रह जाएंगी, बोल्टिंग इन रोसेट प्लांट्स। अगर हम कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जैसे कैबेज है,
जो रोसेट के फॉर्म में अपना कह सकते हैं उसका अपीयरेंस है प्लांट का, कैसा होता है? कैबेज के अंदर पत्ता गोभी होता है, कैसा अपीयरेंस होता है? ऐसा रहता है, बंद रहती है पूरी, बंद गोभी भी बोलते हैं। अब इस वाले प्लांट में बोल्टिंग कराना भी किसका काम है? जिब्रेलिन का काम है। हेनबेन, कैबेज, इन वाले प्लांट्स में, ये रोसेट प्लांट्स होते हैं, इनमें लीफी प्लांट्स हैं, इनमें थोड़ा सा आपने देखा है कैबेज भी, गोभियां भी अलग अलग तरीके की, इनमें थोड़ी सी और बड़ी, इनको थोड़ा बड़ा करना काम है किसका? जिब्रेलिन्स का, गोभी भी बहुत बड़े बड़े साइज की बन जाना। ओवरकम नेचुरल डोरमेंसी ऑफ बर्ड्स, अगर कोई बर्ड्स टाइम पे खुल नहीं रही, ट्यूबर्स टाइम पे ओपन नहीं हुए हैं, सीड्स टाइम पे ग्रो नहीं करें, तो अगर हम उसके ऊपर जिब्रेलिन का स्प्रे करेंगे तो वो सीड क्या हो जाएंगे? जर्मिनेट, क्योंकि जर्मिनेशन के लिए, जी फॉर जिब्रेलिन, जी फॉर जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन को या सोए हुए सीड्स को, डोरमेंसी मतलब होता है इनएक्टिव सीड्स, उनको एक्टिव कर देता है जिब्रेलिन। ठीक है, क्लियर हुआ? एक्टिवेटेड बाय द एक्टिवेशन ऑफ द सीड्स बाय द जिब्रेलिन, सीड जर्मिनेशन। साइटोकाइनिन स्कूग एंड मिलर नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। स्कूग और मिलर भी प्लांट टिश्यू कल्चर, जो मैं आपको बोल रही थी कि प्लांट के किसी भी पार्ट को से नया प्लांट बनाने का प्रोसेस है, तो स्कूग और मिलर ने साइटोकाइन्स को प्लांट टिश्यू कल्चर के दौरान आइसोलेट करवाया गया। ठीक है, एंड उसको कॉर्न कर्नल से निकाला गया। कॉर्न कर्नल मतलब जो मक्का है उसके बीजों के पास, मक्के में कॉर्न कर्नल, कॉर्न कॉब को कहते हैं, जिसमें एक एक बीज आता है। यहाँ पर बहुत सारे बीज होंगे मक्के में, उसका एक एक बीज उस का जगह है, उसको कॉर्न कर्नल बोलते हैं। तो वहां से निकलता है साइटोकाइनिन नाम का सब्सटेंस, और कोकोनट मिल्क में भी होता है ये। कोकोनट का जो वाटर होता है, नारियल पानी, ये नारियल पूरा हरा वाला नारियल होता है, उसको यहाँ से काटते हैं, यहाँ पे छेद करते हैं, फिर स्ट्रॉ डाल के अंदर जो पानी पीते हैं, वो कोकोनट मिल्क जो होता है उसमें भी साइटोकाइनिन मिला, सबसे पहले डिस्कवर हुआ। इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या था? ये इसका भी नेम से रिलेटेड है, सेल का काइनेसिस, सेल डिविजन में इन्वॉल्व है मेनली। किसमें इन्वॉल्व है बेटा ये? सेल डिवीजन में, और ये डिले भी करता है सेनेसेंस ऑफ लीव्स को, अदर ऑर्गन्स को, मतलब उनको उनका जो सेनेसेंस है यानी एजिंग आना, उसको कम करता है, उसको धीरे करता है। कौन? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन एजिंग को स्लो डाउन करता है, और बाकी ऑर्गन की भी एजिंग का स्लो डाउन। ये क्या करवा रहा है? ये लेटरल बड्स को भी प्रमोट कराता है। इट ऑल्सो प्रमोट लेटरल बड, मतलब साइड ब्रांचेस। अब तो ये किसका पॉजिटिव इफेक्ट शो कर रहा है? एपिकल डोमिनेंस को, एंटी हार्मोन है ये, यानी एपिकल डोमिनेंस ऑक्सिन से हो रही थी, सबसे पहला हार्मोन था ऑक्सिन, जो क्या कर रहा था? एपिकल डोमिनेंस कर रहा था। ऑक्सिन का रिवर्स इफेक्ट, क्वेश्चन आ जाए कि विच हार्मोन शो रिवर्स इफेक्ट फ्रॉम टू ऑक्सिन, तो आंसर क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन, इथाइलिन, ये लास्ट हार्मोन है। कजन्स कंफर्म्ड द रिलीज ऑफ अ वोलेटाइल सब्सटेंस फ्रॉम द राइपन्ड ऑरेंजेस दैट हेस्टन द राइपन्ड ऑफ द स्टोर्ड अनराइपन्ड बनानास। मतलब किसी एक जगह पर बहुत ज्यादा पके हुए संतरे रखे थे, तो उन्होंने साइड में कच्चे केलों को भी पका दिया, तो उनमें से कुछ ऐसा सब्सटेंस हवा में रिलीज हुआ जो फ्रूट के पकने पर ही रिलीज होता है, वो पके हुए फ्रूट्स में से निकलता है, जिसका नाम है इथाइलीन। यहाँ पे एक मिसप्रिंट है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ इथाइलीन है, साइटोकाइनिन नहीं है। क्या है? इथाइलीन, क्योंकि टॉपिक हमारा चल रहा है इथाइलीन। इथाइलीन एक ऐसा गैशियस हार्मोन होता है जो कि जिसके ये एक्शंस है, और ये पके हुए फ्रूट्स में से रिलीज होता है। ये वॉलेटाइल सब्सटेंस मतलब गैसेस फॉर्म में होता है ऑलरेडी, और ये क्या करता है? कच्ची चीजों को पकाता है। इट राइप द रॉ थिंग्स, वॉलेटाइल सब्सटेंस है इथाइलिन,
inhibit elongation of stems and root, induce fruit ripening, break seed and bud dormancy, initiate germination. Germination initiate करता है, break करता है seed और bud dormancy को, मतलब seed अगर सोए हुए होंगे तो ये भी उनको जगाएगा, fruit को ripen करेगा, fruit को पकाने का इसका काम है, कौन से हार्मोन का? इथाइलिन. ये तो आपने जनरली घर में भी देखा होगा कि कोई एक अगर हम पका हुआ फ्रूट रख देते हैं तो बाकी भी पकने लगते हैं अपने आप उसके रखने से साथ में. मैं कौन सा हार्मोन निकलता रहता है? इथाइलिन निकलता है. इथाइलिन. तो ये और मैम जैसे कुछ फ्रूट कच्चे रह जाते हैं तो उन्हें पेपर में रख देते हैं कवर करके ताकि उसकी गैस भी उसके आसपास रहे और वही उन्हें पका दे. इनहिबिट इलोंगेशन ऑफ स्टेम एंड रूट, ये ज्यादा लंबे नहीं होने देता स्टेम को, उसको इनहिबिट कराता है, रूट और स्टेम को ज्यादा लंबा नहीं होने देता है. सीड और बड की डोरमेंसी, यानी अगर कली खिल नहीं रही है, कली बंद ही है बहुत टाइम से, तो अगर उसके पास में साइटोकाइनिन थोड़ा, सॉरी नॉट साइटोकाइनिन, इथाइलिन थोड़ा स्प्रे करेंगे अगर, तो बड ब्रेक, डोरमेंसी ब्रेक होके बड फ्लावर बन जाएगी. और सीड भी अगर ग्रो नहीं हो रहा बहुत दिन से, या तो हम यहाँ पर दूसरा हार्मोन कौन सा यूज करते हैं, जिब्रेलिन, सीड ब्रेक करने, सीड डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए या तो जिब्रेलिन यूज कर सकते हैं, या तो क्या यूज कर सकते हैं, इथाइलिन. इथाइलिन जर्मिनेशन भी करता है इन द पीनट सीड्स, पीनट्स की सीड में भी ये जर्मिनेशन करा देता है. कौन? साइटोकाइनिन, नॉट साइटोकाइनिन, इथाइलिन. इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, इट इज इथाइलिन. तो इनिशिएट जर्मिनेशन इन पीनट सीड बाय द इथाइलिन, बाय द इथाइलिन. एब्सिसिक एसिड हार्मोन है, ये भी एक इनहिबिटर हार्मोन है. ये 1963 में फेडरिक टी एडिकॉट ने दिया था एंड उसके कोवर्कर्स ने दिया था, और इसका नाम एब्सिसिक एसिड रखा. इसका शॉर्ट फॉर्म ABA है. ये आइसोलेट किया जाता है फ्रॉम सेवरल एब्सिशन एक्सेलरेटिंग सब्सटेंसेस फ्रॉम कॉटन प्लांट. ये ऐसी चीजों से आइसोलेट किया जाता है जहां पर एब्सिशन एक्सेलरेटिंग सब्सटेंसेस होते हैं, मतलब ओल्ड एज को बढ़ाने वाली चीजें. कुछ ये ऐसे रिएक्शंस करता है जिससे कि प्लांट की मैच्योरिटी जल्दी आ जाए, ओल्ड एज जल्दी आ जाए. ये एब्सिशन, इसका रोल ही एब्सिशन में. एब्सिशन मतलब क्या होता है? ओल्ड या फिर जल्दी ग्रोथ करवा देना. हाँ, मतलब ये भी इनहिबिटिंग हार्मोन है. ABA को स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं. कौन सा हार्मोन? स्ट्रेस हार्मोन. अभी फिर गलत हो गया यहाँ पे. एबिस्किस एसिड, यहाँ पे भी ABA आएगा, यहाँ पर ABA आएगा, एब्सिसिक एसिड. एंड स्ट्रेस हार्मोन मैं पूछ रही थी, एनिमल्स में कौन सा होता है स्ट्रेस हार्मोन? स्ट्रेस हार्मोन एनिमल्स का किडनी के ऊपर जो ग्लैंड होते हैं वो रिलीज करते हैं एड्रेनलिन. एनिमल्स का स्ट्रेस हार्मोन कौन है? मैम वो जो एड्रेनल ग्लैंड होती है, हाँ, वो रिलीज करते हैं स्ट्रेस में. फाइट फ्लाइट फ्रीज करने वाला जो हार्मोन है, कोप करने वाला वो. अपर प्लांट का कौन सा होता है? एब्सिसिक एसिड, एबिस्किस एसिड. और एक्ट एज अ जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, ये ग्रोथ इनहिबिटर की तरह काम करता है प्लांट में. इट इंड्यूसेस सीड एंड बड डोरमेंसी, ये बढ़ाएगा, ये जो बर्ड्स होंगे उन्हें बंद ही रखेगा, सीड होंगे उन्हें ग्रो नहीं होने देगा, ये उल्टा प्रोसेस करेगा, ये बंद करके रखता है, इंड्यूस कराता है सीड की डोरमेंसी. क्लियर? अब मैम वो तीनों खोलवा रहे थे सीड्स को, बर्ड्स को. ब्रेक कराते हैं, ब्रेक ओपन कराते हैं. इनहिबिट सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन को भी ये क्या करेगा? ये रोकेगा, इनहिबिट करेगा. स्टिमुलेट क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, ये स्टोमेटा को क्लोज करेगा. इनहिबिट स्टिमुलेट्स क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा को क्लोज करवा देते हैं. ठीक है, तो ये होता है में जब पौधे में पानी की कमी हो रही है,
तो ऑलरेडी पानी की कमी हो रही है, पानी की कमी हो रही है तो क्या होगा, पौधे क्लोज करने लगेंगे स्टोमेटा को, क्या करने लगेंगे, स्टोमेटा को क्लोज करने लगेंगे, क्योंकि ऑलरेडी पानी कम है। मान लो फॉर एग्जांपल बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई या हमने भी पौधे को पानी नहीं दिया, तो उसके जो पत्ते होंगे वो, उसके जो स्टोमेटा होंगे बहुत माइक्रोस्कोपिक होल, वो क्या होने लगेंगे, अपने आप बंद हो जाएंगे। इनको पर बंद कौन कराएगा, सिग्नल कौन देगा बंद करने के लिए, ABA देता है। तो प्लांट एकदम से ग्रोथ में, जब प्लांट को ऐसा लग रहा है वाटर स्ट्रेस है, तो इसके स्टोमेटा सारे क्या कर देगा, क्लोज, ताकि क्या नहीं हो, ट्रांसपीरेशन नहीं हो, क्योंकि स्टोमेटा की वजह से पानी भी उड़ता है। पानी क्या करवाना है, कंजर्व करवाना है, पानी बहुत दिनों से दिया नहीं है पौधे को। ABA क्या कर देगा, स्टिमुलेट द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। तो क्वेश्चन आ जाए कि बीच हार्मोन विल बी एक्टिव इन द वाटर स्ट्रेस एंड हाउ इट विल एक्ट, कौन सा हार्मोन एक्टिव होगा वाटर स्ट्रेस में और कैसे काम करेगा वो, आपका आंसर क्या होगा, ABA करेगा, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा। अब ये शॉर्ट में समझ लेते हैं, हालांकि ये टॉपिक आएगा नहीं एग्जाम में, बट स्टिल समझ लेते हैं। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनको 12 घंटे या 10 घंटे से ज्यादा दिन चाहिए होता है, तो उन्हें लॉन्ग डे प्लांट कहते हैं, जैसे ट्राइटिकम ईस्टिमम, पीज, बार्ले, शॉर्ट डे प्लांट्स। और शॉर्ट डे प्लांट्स है प्लांट दैट रिक्वायर एक्सपोजर टू लाइट फॉर अ पीरियड लेस देन दिस क्रिटिकल पीरियड टू इंड्यूस फ्लावरिंग। शॉर्ट डे प्लांट में छोटा लाइफ टाइम, लाइट का टाइम चाहिए, राइस, ज्वार, कॉटन। एंड डे न्यूट्रल प्लांट में प्लांट्स वेयर देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन द वर्नलाइजेशन, क्या होता है वर्नलाइजेशन, इज द फिनोमेना ऑफ इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग, फ्लावर्स का आना इंड्यूस करा देना बाय द हेल्प ऑफ लो टेम्परेचर। कभी कभी ठंड में फ्लावर उगते हैं, थोड़ा सा ठंड के एरिया में प्लांट का फ्लावर करवाना इज कॉल्ड वर्नलाइजेशन। इट प्रिवेंट द प्रीकोशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट सफिशिएंट टाइम टू रीच मैच्योरिटी। और ये किस में देखा जाता था, बाइनियल प्लांट्स में देखा जाता है। दीज आर मोनोकार्पिक प्लांट्स दैट फ्लावर इन द सेकेंड सीजन, सेकेंड सीजन में फ्लावर बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये टॉपिक, ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया, क्योंकि इसका एक ही टॉपिक एग्जाम में आ रहा था जो कि हार्मोन था, एब्सिसिक एसिड, इथाइलीन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन्स, ऑक्सिन्स, ठीक है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन, फाइटो हार्मोन, ये सब। दिस मैम बस ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आ रहा है टॉपिक, आई एम एंडिंग द क्लास, यहीं तक आ रहा है सिर्फ प्लांट ग्रोथ हार्मोन तक, ठीक है। ओके मैम, मैम एक बार पीडीएफ सेंड कर देना। ओके आई विल सेंड यू दैट पीडीएफ एंड पावर पॉइंट।